मस्का चस्का टाइम्स देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। समूह सिख धर्मी फौजी जून 1984 परिवार वायरफेयर एसोसीएशन दे कौमी प्रधान सरदार बलदेव सिंह गुरदासपुर की प्रधानगी हेठ धर्मी फौजियों की अहम मीटिंग धारीवाल विखे हुई, जिस विच धर्मी फौजियों अते उन्होंने परिवारों दी मुश्किलां अते हाल संबंधी चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधान सरदार बलदेव सिंह गुरदासपुर ने कहा कि धर्म अते कौम की खातर कुर्बानियां देने वाले धर्मिया फौजियों का समय समय दियां सरकारां अते धार्मिक संस्थाओं वालों बंदा मान सत्कार नहीं दिता गया। उन्होंने कहा कि धर्म फौजियों का इतिहास पंजाब अंदर बच्चों नूं पढ़ाया जाए ता जो धर्म अते कौम की राखी संबंधी उन्हों का जज्बा कायम हो सके। आओ देखते हैं पूरी रिपोर्ट धारीवाल तो इंद्रजीत, मस्का चस्का टाइम्स। काम करना चाहता लेकिन पार्टी के अंदरों ही जोड़े धर्मी फौजी है वो इन लत्त खिंच रहे हैं कि ये कित इना का ना ना हो जाए, लेकिन वो ना नहीं कर रहा, वो पार्टी की जी होंद है ना उन्होंने बचा रहा कि साड़ी जी पार्टी है यदि इज्जत इस तरह बनी रहे क्योंकि कुरबानी वाली पार्टी है। कई ये कहते हैं कि बलदेव सिंह पैसे लैन का महाराज जोड़ा एक काम दिया वा कर ये जोड़े पेंशन लै रहे हैं फौजी वो लैके तुरया फिरता है। वो ये है कि असी ये ना चले हैं 12-13 साल इन हो चले हैं उदों के असी ये नाल है, असी ये कसम खाने हैं जेकर इन किसी तो लाल पैसा भी लिया हो मंगया हो। चंडीगढ़ गए पता नहीं किन्नी कार गए हैं असी, गड्डियां दो दो भी गई, तीन तीन भी गई, अपनी जेब के विचों पेट्रोल पाँदा रहा डीजल पाँदा रहा वै और खर्च जोड़ा सी जानता साडा ब्रेकफास्ट का चाह का रोटी का ठंडे का तत्ते का जानता भी तो आता भी करता रहा अपनी जेब के विचों और फिर जनता जी ए चिक्कर सुट रही है क्योंकि आप ही कह सकता जेडे नाल चले वो दस सकते हैं की कर रहा है पार्टी वास्ते। हूँ भी जिदा उन्होंने आख्या बीबी जी मिल के आए हैं, उन्होंने सानू आश्वासन दिता, साढ़े भैन जी से बैठे न ये भी नाल से कोई वड्याई वाली गल नहीं की। बीबी जी ने आख्या जो लोड़वंद है ना तुहाडे जो भी तुहानू सहायता चाहिए सानू लिखती रूप दे विच दे दिओ, वो हुण असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखती रूप दे विच आपां बलदेव सिंह नूं दे दिंदे हैं, फिर जाके असी एक दो जाने बीबी को पहुँचता करांगे आपां उहदे डेरे दे विच। ये भी चलो साडा जिहड़ा काम है मैं तां परमात्मा सिरे चाढ़ दे। प्रधान साहब ते रणजीत सिंह ने दस ही दित्तियां ने पर फिर भी मैं दो चार गल्लां करनियां चाहुंदा क्योंकि सानू प्रधान साहब दे नाल बलदेव सिंह नाल 13 साल हो गए ने चल गया ये को कई लोग स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण बलदेव सिंह ने क्यों देना, अही ये स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण असी देवे कि अजे तक कोई सबूत दे दे कोई यदा मतलब कोई कित एक निका पहा भी कि खादा हो। प्रधान जी अज की मीटिंग का की एजेंडा जी? वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू फतेह। अज सिख धर्मी फौजियों की 37 साल बाद एक विशेष मीटिंग हुई है और मैं इतने प्रेस में बेनती करदा कि जिहड़ा सानू सवाल पुछदे ने कि धर्मी कादे लई होई आ और कदी सानू सवाल करदे ने कि धर्मी फौजी की कुरबानी आ जां तुसीं कित्थों भजे गए, मैं पूरी जगत की जिहड़ी आ अपने प्रेस में अपील करदा कि ये चीज़ जिहड़ी आ साडे सिख लीडरां नूं पुछा जावे कि धर्मी फौजी कौन ने, धर्मी फौजी कित्थों आए ने, जां ये मीटिंगां कादे लई कर रहे ने, और फिर तुहानूं प्रेस नूं जिहड़ा सही खुलासा होगा। प्रधान जी जी अज तुसी मीटिंग की आ श्रोमणी कमेटी बारे बुलारिया ने बोलिया वा कि श्रोमणी कमेटी ने साड़िया कोई मंगा नहीं मनिया, ये बारे की कहना चाहते? मंगा साड़ी जी श्रोमणी कमेटी मनती आ, पहलों भी मनते रहे हैं, जहदा कृपाल सिंह बडूंगर ने साड़िया मंगा चालू बंद कर दी, जहदा अवतार सिंह मक्कड़ वाली उस तो बाद बडूंगर ने बंद कर दी, उ रस्ते लौंगोवाल चले। बीबी जगीर कौर जी काम करना चाहते हैं पर कुछ साढ़े बंदे दो तीन बंदे ने जोड़े अड़चन चाहते हैं और मैं विशेष तौर पर तुम्हें बेनती करता कि जोड़े साढ़े एक दो सकत्र और तीन चार धर्मी फौजी अपनी नौकरी बनाने की खातर जो मतलब कि धर्मी फौजी काम खराब करते हैं, उन्होंने अपील करदा कि धर्मी फौजी सारे एक ने,
जिस दिन अही बैरक छड़ के हर बंदा जिस दिन बैरक छड़ के आया उस दिन सिर्फ दो गल् ही एक उन्होंने निशाना ही कि अं हरिमंदर साहब आजाद करवाना नंबर दो देते उन्होंने निशाना ही कि अमृतसर जरा पहुँचना मैं ना भी एक दिन तो एक निशाना जरा धर्मी फौजियों का इस मुद्दे पर तो गल होनी चाहिए है बाकी गल गल बात ही है जो आप बैरक छड़ के आए हाँ किसी बंद नहीं पता कि मैं रस्ते शहीद हो जाना किसी को नहीं पता कि मेरे जख्म जोड़े मैं जख्मी हो जाना यह नहीं पता मेरे और इदा होया वा और कुछ बंदे जड़े उस समय तसीहे कट रहे अज विचार की लड़ है कि जोड़े बंदे उस समय तसीहे चल रहे ही जोड़े बंदे उस समय इंटेरोगेट हो रहे ही जोड़े बंदे उस समय जख्मी हुए ही जहीद हुए ही ये बंदे किस लिए हुए ही अच्छ कला धर्मी फौजियों के जवाब देने का नहीं अच्छ जिथे मैं अपील की सिख लीडर पूछने की लड़ आ उत अज साडे सिख कौम भी इस चीज़ के बारे जानकारी समझ की लड़ आ कि धर्मी फौजी इन्नी गर्मी के जी बैरक छड़ के तसीहे करते ही गोलियां बजियां शहीद होए जां लंबियां जेलां कटियां इन्हां कादे लई कटियां इन्हां कटियां ही सिख कौम ते धर्म नूं बचाउण वास्ते प्रधान जी एक पिछे जी मीडिया च आया वा कि श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जगीर कौर ने कोई धर्मी फौजियों नाल सहानुभूति पेश करदिआं कोई नौकरियां देण दा वादा कीता इहदे बारे की कहना चाहुंदे देखो जी पहले 30 तरीक नूं मैनूं जहदा इन्हां दे पीए साहब ने जहदा अमरीक सिंह उन्होंने मैनूं सद्दिआ 30 मई नूं तो उत्थे बीबी जी इत्थे आओ तो तुसीं तुहानूं जिहड़ी आ 8 तरीक नूं भर्ती आ उहदे बारे तुहानूं मंजूरी लै दिओ मैं उत्थे गया बीबी जगीर कौर जी ने मंग की है कि जिहड़ियां धर्मी फौजियां ने लोड़वंद धर्मी फौजियां उन्हां दीआं सानूं लिस्टां दिओ उहदे करके असीं नैट दे विच पाता और उहां फाइलां भरीआं और उही गल सवाल आ गई दो चार बंदे जो साड़ी धर्मी फौजी में जज्बे खराब करते हैं और जिदन 8 तरीक की भर्ती का सानू संदेश मिले 8 तो पहले उन्होंने बंद ने साड़ी भर्ती जी बच्चों की कैंसल करा दी हाँ जी प्रधान जी दोबारा सानू अपने 20 जून गए हैं बीबी जी को साडा एक वफद मिलया वा जिहदे विच बीबी जी ने काफ़ी विचार चर्चा होने तो बाद उन्होंने भरोसा दिता और मैं बीबी जगीर कौर तो बहुत ज़्यादा माण करदा और बहुत ज़्यादा चंगे नेचर आते हैं और सानू पूरी आस है कि धर्मी फौजी पूरे जो काम करेगी।